नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चे जो पूछ रहे थे सर कि ये जो रेलवे की वैकेंसी है, ये इतनी वैकेंसी दिखा रहा है, 3,12,000, ठीक है, 895 पद खाली हैं, ऐसे कई नोटिस जो है वायरल हो रहा है, लोग भी आपके अलग अलग जो यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है इतनी वैकेंसी आने वाली, लग जाओ अब कमर कस लो, क्या है इसकी सच्चाई? ये भी सुनने में आ रहा था कि आपका 12,000 प्लस वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की आने वाली है, वो भी अगले ही माह, इसकी क्या सच्चाई है? और एएलपी, एई, जेई, ग्रुप डी, क्या इन सब के पद हैं? ये सब जितना भी खाली जो ये 3,12,000 दिखाया जा रहा है, इसमें किसके कितने पद हैं, क्या इसका कुछ, क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, ये क्यों वायरल हो रहा है इतना ज्यादा, देखा जाए तो एक बच्चे ने को आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनसे मांगा था कि क्या आपके पास इसके कितने सीट वैकेंट है, इसके बारे में हमें ब्यौरा दीजिए, कि क्या दिखा लेते हैं आप लोगों को वो लेटर ही राज्यसभा का। यहाँ पर देखो, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा था, वेदर इट इज ए फैक्ट दैट रेलवे इज करंटली फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ 3.12 लाख नॉन गेजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट। मतलब ये कह रहे हैं क्या रेलवे जो है करंटली फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ इतनी वैकेंसी, ठीक है, किसकी, गेजेटेड पोस्ट की वैकेंट है क्या? तो उसी पे इफ सो डिटेल देयर ऑफ, इफ नॉट ए नंबर ऑफ गेजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री जोन वाइज एंड द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फिल द नॉन गेजेटेड पोस्ट इन इंडियन रेलवे अक्रॉस द कंट्री। तो उसके बारे में आपके जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने जवाब देते हुए, आपके आंसर देते हुए यहां पर देखिए कहा गया है कि जो स्टेटमेंट रिफर्ड इन एनी रिप्लाई टू पार्ट ए एंड डी, ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन 2072 बाय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, आंसर इन राज्यसभा 17/3/2023 का है, ठीक है, नॉन गेस्टेड स्टाफ स्टोरेज इन इंडियन रेलवे। तो यहां पर बताया गया जोन वाइज नॉन गेस्टेड वैकेंसी पोजीशन जो है आपके इंडियन रेलवे में 1/2/2023 तक, कब तक, 1 फरवरी 2023 तक हर जोन में आपके कितनी वैकेंसी वैकेंट है उसके बारे में रेलवे ने ये आपको बताया गया है। रेलवे ने कहा, जवाब है कि 1/2/2023 तक रेलवे के हर एक जोन में इतनी इतनी वैकेंसियां क्या हैं। आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे ब्राइटनेस कम करता हूं, ये इतनी इतनी वैकेंसियां खाली हैं, इसमें 28,000 है, ईस्ट कोस्ट में इतना है, इसमें इतना है, ईस्टर्न रेलवे में 30,000 के लमसम है। तो ऐसे आपका ओवरऑल देखा जाए टोटल यहां 3,169 पोस्ट आपकी खाली है, लेकिन बाद में फिर अदर पोस्ट को जोड़ा गया एक अदर यूनिट 12,726। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ये 12,726 है ये अदर पोस्ट और कुछ नहीं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट है जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये तो सच्चाई है कि रेलवे में इतनी वैकेंट सीटें हैं, ठीक है, ये 1/2/2023 तक का है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी सीटें अभी तक खाली हैं। अभी जो इससे पहले प्रोसीजर चला, ग्रुप डी की वैकेंसी चली, एनटीपीसी की चली आपकी, ठीक है, इन सभी को इसके अंतर्गत भरा गया है, ठीक है, उनका प्रोसीजर चल रहा है। जब आप में यहां देखेंगे तो अकरेंस ऑफ फिलिंग ऑफ द वैकेंसी इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो वैकेंसी है उसके फिल करने की प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चल रहा है। बाय प्लेसमेंट ऑफ इंडियन बाय रेलवे विद द रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर द ऑपरेशनल रिक्रूटमेंट पीरियोडिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट अर्लियर नोटिफिकेशन जो था वो 1,03,769 पदों पर क्या हो गया, वैकेंसी लेबर वन इज अंडर फाइनलाइजेशन। मतलब ये अंडर फाइनलाइजेशन है, जो एक ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी वो फाइनल होने वाली है। मतलब इनमें से अब 3,12,895 की अगर हम बात करें तो इसमें से टोटल 1 लाख ये वाला पोस्ट तो ऑक्युपाई हो जाएगा ना, अभी ने वो लोगों ने अपना पोस्ट नहीं संभाला है, ये 1 तारीख तक का बताया गया है, 1 फरवरी तक का, लेकिन अब जब ये संभाल लेंगे तो जो वैकेंट सीट बचेगी आपकी वो कितनी बचेगी, 2,19,000, हाँ, ये आपकी इसमें से ओवरऑल जो बचेगी, अगर इसमें से 1 लाख घटा देते हैं तो 9,
1126, ठीक है, ये आपके टोटल पोस्ट जो है बचेगी। लेकिन आगे और भी बोला है कि 37,135 कैंडिडेट है बीन कंपेल्ड इन ईयर 2022-23 अप टू 6/3/2023 अगेंस्ट सी वैकेंसी एक्सक्लूडिंग लेवल वन, मतलब इनको भी इसी में कंपेल किया जा रहा है, ये भी और है। तो 37,000, ठीक है, कितना आप 37,135 वैकेंसी इसमें से और माइनस कर दोगे तो ये 171,991 वैकेंसी वैकेंट है इसमें, ठीक है, 171,991 वैकेंसी आपकी अभी तक क्या है, ये वैकेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना नहीं है, 3,00,000 नहीं है आपका, 3,00,000 वैकेंसी नहीं वैकेंट है, ये जो अफवाह फैल रही है वो पूर्ण रूप से गलत है कि 3,12,895 पोस्ट खाली है, तो ये गलत है, ठीक है। आपकी जो पोस्ट खाली है रेलवे के अकॉर्डिंग अभी भरने के बाद तो इतनी खाली रह जाएगी, इस पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और आपके एएलपी लोको पायलट वाली वैकेंसी मिलेगी, एई की मिलेगी, जेई की मिलेगी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अगले माह आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, तो यहां पर देखिए उस न्यूज को, उस न्यूज को आपको मैंने यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, दो मिनट रुकिए, उस न्यूज को यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने साफ साफ कहा है क्लेरिफिकेशन अबाउट रिक्रूटमेंट फॉर 20,000 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ। बोला है कि ये जो भी 20,000 का, जिसे 12,000 कोई, 20,000 कोई, 25,000 अपने अपने हिसाब से बोल रहा है, तो ए फॉल्स मैसेज इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल एंड प्रिंट मीडिया रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 20,000 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ। ऐसा कोई मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, चाहे कोई जवाब तवाब नहीं किया गया है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है सबके द्वारा, तो अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन वैकेंट सीट है तो आपकी नोट यहां पर जॉब आएगी, लेकिन कब आएगी ये कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आपको अगर तैयारी करना है आपको आरपीएफ से रिलेटेड, तो आप इतना जानिए कि इसी साल आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा ये, अगर रोजगार वाला, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे के पास ही है, तो वही दे सकती है जो गवर्नमेंट को 24 का इलेक्शन कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा खासा तोहफा होगा कि भैया एक बार चुनावी बिल्कुल फिर से बजाया जाए और बच्चों को झांसे में लिया जाए। तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है कि कब हम वैकेंसी ला रहे हैं, बस वैकेंट सीट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, मिलती है, हम जरूर आपके सामने आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।